एप्पल हर साल की तरह इस साल भी आईफोन की लेटेस्ट सीरीज से पर्दा उठाएगी। इस साल कंपनी आईफोन 15 लाइनअप को लॉन्च करेगी। ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले इस सीरीज के टॉप वेरिएंट के फीचर्स हम आपको बताते हैं। अपकमिंग आईफोन 15 प्रो मैक्स में 5 बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। एप्पल इस साल सितंबर या अक्टूबर में अपनी लेटेस्ट अपकमिंग सीरीज यानी आईफोन 15 लाइनअप को लॉन्च करेगा। इस साल कंपनी अपने अपकमिंग मॉडल्स को बेहतर बनाने में काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल की तुलना में इस साल लॉन्च होने वाली आईफोन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें एक्शन बटन से लेकर पेरिस्कोप लेंस तक शामिल है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में यूजर्स को इस साल एक बटन मिलेगा जिसे यूजर्स अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर सकेंगे। ये बटन एक रेंडर्स में देखा जा चुका है। ये बटन रिंग साइलेंट स्विच को स्विच कर सकता है जिसे एप्पल ने 2007 के बाद से देना शुरू कर दिया था। एप्पल ने बीते साल कुल 4 मॉडल उतारे थे। इनमें से 2 मॉडल को डायनेमिक आइसलैंड नॉच का इस्तेमाल कर लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट्स के में दावा किया गया है कि इस साल कंपनी चारों हैंडसेट्स में डायनेमिक आइसलैंड का इस्तेमाल करेगी। इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन 15 प्रो मैक्स में 4852 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि 14 प्रो मैक्स में 4332 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। इस साल लॉन्च होने वाले फोन में 1TB वेरिएंट को भी पेश किया जा सकता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स को एप्पल के लेटेस्ट बायोनिक A17 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इस फोन में लेटेस्ट iOS 17 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी आईफोन 15 प्रो में यूजर्स को पुराने मॉडल की तुलना में और ज्यादा कम बैजेस देखने को मिलेगा। इसमें यूजर्स को उसी साइज में ज्यादा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। टाइप सी USB पोर्ट को लेकर लंबे समय से चर्चा है। इस साल भी चर्चा है कि आईफोन 15 लाइनअप में टाइप सी USB पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि अभी तक कंपनी ने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDTV भारत।